ये पुलिस वाले ने मारा मारा हाँ मेरे सामने मारा मेरे अंगने च मारा है ना नहीं तो रोई रोई करा दे उन्हें डंडिया ने कने पंजा दे बांसा ने मारिया। कोटला पुलिस द्वारा बटालियन 7 सोलन में बतौर कांस्टेबल कार्यरत रविंदर राणा को पीटकर घायल करने का वीडियो वायरल होने के बाद घायल की माता व बहन सहित कुछ लोगों ने कोटला पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके चलते डीएसपी ज्वाली सिद्धार्थ शर्मा ने लोगों को शांत करने की कोशिश की। पुलिस वाले ने मारा कितने बजे 11:30 टाइम था। कितने बंदे आए थे साथ में? 6 बंदे है। कहाँ पे मारा हुआ ये? ये घर पर मारा। अपने घर पे मारा है? हाँ जी। सभी पुलिस वालों ने मारा रल मिल के? रल मिल के ना सारे ना पुलिस वाले मारा। किस चीज के मारा हुआ ये? किस चीज लिया हाथ में? क्या लिया था उन्होंने? डंडे रहे लिए। और क्या लिया था उन्होंने? उन्होंने बेरचा लिया हाई का। और उस वेले में जो कोई दिमाग की गल नहीं मेरे च आई थी। अच्छा, और क्या लिया था उन्होंने? उन्होंने डंडे ने कहने पंजा दे बांसा ने मारिया। आपके सामने मारा हुआ है? सारे ने इन्होंने मारिया। आपके सामने मारा हुआ है? हाँ मेरे सामने मारा, मेरे अंगने च मारा है ना। नहीं तो रोई रोई करा दे। एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने घायल की माता व बहन के बयान कमलबद्ध किए व घायल कर्मी के घर गए 2 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन ने कहा कि अब आगामी कार्रवाई के लिए डीएसपी ज्वाली को लगाया गया है और 1 हफ्ते के अंदर डिटेल देने का निर्देश भी दिया गया है। अब उसी के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, ये जो थोड़ा इशू हो गया है, 7 अक्टूबर में हमने हमारे पुलिस का कांस्टेबल F6 बटालियन में रविंदर उसकी वाइफ की कंप्लेंट के ऊपर पुलिस मौका पर गई थी परसों और वहाँ शायद उसका थोड़ा सा एग्रेशन था या शायद मानसिक संतुलन या डिस्टर्ब था, इसकी वजह से उसको हैंडल किया, काबू करने में उसकी चोटें मोटे लगी थी। अगले दिन सुबह वो अचानक चौकी में अनकॉन्शियस हो गए और फिर उसको तुरंत मेडिकल एड के लिए शाहपुर भेजा पुलिस ने, उसके बाद टांडा रेफर किया था। फिलहाल वो अमनदीप हॉस्पिटल में है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। एंड इस मुद्दे पर उनकी मदर का सिस्टर का यहाँ पर रोष था कि पुलिस ने जो है उनको हैंडल ठीक से नहीं किया या उसकी पिटाई की, इस टाइप के एलिगेशन है। तो इसमें जो भी है विस्तारपूर्वक जांच के लिए मैंने डीएसपी ज्वाली सिद्धार्थ को अधिकृत किया है कि वो अपनी जांच रिपोर्ट मुझे 1 हफ्ते के भीतर जो है करके सौंपे और उसके आधार पर जो भी होगा फर्दर हम एक्शन पुलिस वालों के खिलाफ लेंगे। फिलहाल 2 पुलिस वालों को मैंने लाइन शिफ्ट कर दिया है पब्लिक आक्रोश के देखते हुए आगे एलिगेशन है, ताकि इंक्वायरी भी जो है सिद्धार्थ की वो फ्री और फेयर मैनर में हो। घायल कांस्टेबल की माता ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसके सामने ही उसके बेटे की निर्मम पिटाई की, जिससे उसके बेटे की हालत काफी गंभीर हो गई है। इसके उपरांत पुलिस चौकी कोटला में लोगों ने आकर पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया तथा कोटला बाजार में भी कोटला पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मौका पर आए लोगों ने कोटला पुलिस मुर्दाबाद तथा गुंडागर्दी नहीं चलेगी इत्यादि नारे लगाए और रविंदर राणा को इंसाफ दिलाने की मांग की। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ज्वाली से अनिल छांगू की रिपोर्ट। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? कहाँ जा रहे हो इतनी तेजी में? अरे तुम्हें नहीं पता क्या, चुनावी कबड्डी शुरू हो गई है। हैं? चुनाव और कबड्डी, चुनावी धाम खानी है तो हमारे साथ चल, वरना खुद बनाकर खा या भीख मांग कर खा। Oh, no. भीख तो आजकल नेता लोग मांग रहे हैं वोटों की, और तुम जैसे लोग उनसे भी आस रख रहे हो नोटों की। अरे छोड़ो, बात ना करो इन लपोटों की, इनके कारण ही जनसेवा राजनीति बन गई खोटों की। बहुत सही खेल गए चाचा।